नमस्कार दोस्तों, न्यूजीलैंड की स्कॉटलैंड के खिलाफ शानदार जीत के बाद बदल गया टी20 वर्ल्ड कप का पॉइंट्स टेबल। वहीं भारतीय टीम की मुश्किलें वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल को लेकर बढ़ चुकी हैं। तो क्या है पूरा पॉइंट्स टेबल बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज टी20 वर्ल्ड कप 2021 में न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 172 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए स्कॉटलैंड की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और स्कॉटलैंड की टीम 20 ओवर में 173 रन नहीं बना सकी, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी दूसरी जीत हासिल कर ली और इसी जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा बदलाव। तो चलिए नजर डालते हैं दोनों ग्रुपों के पॉइंट्स टेबल पर। ग्रुप वन में नंबर वन पर इंग्लैंड की टीम है, जिसने 4 मुकाबले खेले हैं और चारों में जीत हासिल करके 8 पॉइंट अर्जित किए हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका की टीम है, जिसने 4 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीते हैं और 6 पॉइंट हासिल किए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जो 3 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीती है और 1 मुकाबला हारी है और 4 पॉइंट हासिल कर चुकी है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर श्रीलंका की टीम है, जिसने 4 मुकाबलों में 1 मुकाबला जीता है और 2 पॉइंट हासिल किए हैं। वेस्टइंडीज की टीम, जिसने 3 मुकाबले खेले हैं और 1 मुकाबला जीता है और पॉइंट्स टेबल में 2 अंकों के साथ 5वें नंबर पर है। वहीं ग्रुप 1 में आखिरी नंबर पर बांग्लादेश की टीम है, जो अपने 4 मुकाबले हार चुकी है। ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में पाकिस्तान की टीम 4 मैच जीतकर 8 पॉइंटों के साथ नंबर 1 पर है। वहीं दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान की टीम है, जिसने 3 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीते हैं और 4 पॉइंट हासिल किए हैं। वहीं आज की जीत के बाद न्यूजीलैंड की टीम नंबर 3 पर आ गई है, जिसने 3 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीत लिए हैं और 4 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। फिर उसके बाद नंबर 4 पर नामीबिया की टीम है, जिसने 3 मुकाबलों में 1 मुकाबला जीता है और 2 पॉइंट हासिल किए हैं। वहीं ग्रुप 2 में 5वें नंबर पर भारत की टीम है, जो अपने दोनों मुकाबले हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल में खाता भी नहीं खोल सकी। और भारत के बाद ग्रुप 2 में आखिरी नंबर पर स्कॉटलैंड की टीम है, जो आज की हार के बाद अपने 3 मुकाबले हार चुकी है और वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गई है। तो दोस्तों, ऐसी ही क्रिकेट की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।